हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में अपनी बाइक में इंस्टॉल करने वाले हैं ये बोश के हॉर्न, और इसको सिंपल फिट नहीं करेंगे, इसके लिए एक एक्स्ट्रा स्विच हम जो है ऐड करेंगे, ये रेड कलर का आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, जैसे मिंडा के आते हैं ट्रम्पेट हॉर्न और रूट्स के आते हैं विंड हॉर्न, और वैसे ही ये बोश के सिम्फनी हॉर्न। तो गाइस, आप देख सकते हैं, देखने में तो ये कुछ वैसे ही दिखते हैं जैसे मिंडा के ट्रम्पेट और जो रूट्स के जो विंड टोन हॉर्न दिखते हैं, लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वो मेरे को थोड़ी सी बेटर लग रही है। और गाइस, इसके साथ एक ऐसे कार्ड मिला है जहाँ पर हॉर्न की पोजीशन का बताया कि कैसे पोजीशन पे आपको लगाना है इसको। तो गाइस, इन हॉर्न की फिटिंग के लिए हमें चाहिए होंगी जो थिम्बल से अटैच हुई हॉर्न वाली वायर्स, एक पुश हॉर्न स्विच, और एक चाहिए होगी हमें हॉर्न रिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको असेंबल करना। तो गाइस, सबसे पहले हमें जो ये हॉर्न वाला स्विच है, इसके साथ दो टर्मिनल हैं, और इसमें जो है स्क्रू को ऐसे खोल के इसमें दो वायर्स को हमें अटैच करना है, उसके बाद अच्छे से इसको टेप कर देना है। तो चलिए जल्दी से पहले इसको कर लेते हैं। तो गाइस, आप देखते हैं दोनों वायर्स को मैंने अटैच कर दिया है। अभी इसकी जो प्लेसमेंट है हम यहाँ पर करेंगे, ये जो 10 नंबर का जो वोल्ट है इसको खोल के यहाँ पर इसको जो है फिट कर देंगे अच्छे से। तो चलिए इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देखते हैं हॉर्न के स्विच को मैंने यहाँ पर फिट कर दिया है। अभी इसके जो हॉर्न है उसकी प्लेसमेंट हम यहाँ पर करेंगे, जो लेग गार्ड के ये 12 नंबर के बोल्ट है इनको खोलेंगे और यहाँ पर इसको फिट करेंगे। तो चलिए इसको मैं जल्दी से कर लेता हूँ। तो गाइस, हॉर्न को मैंने फिट कर दिया, अभी हम इसकी जो है वायरिंग को करेंगे। तो गाइस, ये जो थिम्बल से अटैच हुई वायर है ये आपको मार्केट से ऐसे भी मिल जाएंगी, और अगर आप इसको ऐसे नहीं खरीदना चाहते तो आप खुद भी इसको बना सकती हो चार थिम्बल ऐसे परचेज करके। तो ये मेरे पास जो है बनी बनाई है, तो जो दो वाली थिम्बल है वो एक हॉर्न में चली जाएंगी, दो थिम्बल जो है वो दूसरे हॉर्न में चली जाएंगी। तो इसको जल्दी से मैं कर लेता हूँ। तो गाइस, आप देखते हैं मैंने अभी इनको जो है लगा दिया वायरिंग को, और जो इसकी दो थिम्बल है वो ऐसे आ गई है। तो इसकी वायरिंग हम बाद में करते हैं, सबसे पहले ये जो हमने स्विच ऐड किया था उसकी पहले वायरिंग को कर लेते हैं। तो इस हॉर्न का जो बटन है उसकी दो वायर जो है उसमें से जो एक वायर है वो आपको लगा देनी है फ्यूज़ बॉक्स में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्प्लेंडर प्लस बाइक है, तो इसके फ्यूज़ बॉक्स में आपको ऑप्शन मिल जाता है इसको लगाने का। यहाँ पर जो ब्लैक वायर है वो तभी काम करती है जब चाबी जो है आपकी बाइक की ऑन होती है, तभी इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका फ्यूज़ बॉक्स को मैं ऐसे खोल के इसको मैं यहाँ पर फिट करके वापस से फ्यूज़ को जो है यहाँ पर लगा देता हूँ। तो गाइस, अगर आपकी और कोई बाइक है तो आप जो हैंडल का ऑन ऑफ करने वाला लॉक है उसमें से भी ये पॉजिटिव की जो वायर है निकाल सकते हैं। तो आप देखते हैं अब ये जो दूसरी वायर है इसमें करंट आएगा जब हमारा बटन ऑन होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक बल्ब है, इसकी मदद से मैं यहाँ पर टेस्ट करता हूँ। एक बल्ब की वायर मैं इसके साथ जोड़ता हूँ, और जो दूसरी जो बल्ब की वायर है उसको मैं बॉडी से ग्राउंड करता हूँ, और यहाँ पर मैं बटन को प्रेस करता हूँ। तो आप देखते हैं ये अभी जो बल्ब है हमारा चल रहा है, इसका मतलब हमारा जो हॉर्न का बटन है वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो गाइस, आप देखते हैं यहाँ पर मैंने लेग गार्ड के साथ एक वायर को माउंट किया है, तो ये जो है यहाँ से हमें ग्राउंड मिलता जाएगा। तो चलिए अभी जो हम हॉर्न की फिटिंग करते हैं, और यहाँ पर मैं एक रिले को यूज़ करूँगा क्योंकि ये हॉर्न जो है रिले के साथ ही चलते हैं। तो गाइस, अभी आपकी स्क्रीन पर जो हॉर्न की रिले है उसकी वायरिंग आपको दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर जो 85 और 86 है आप देखते हैं एक जो इसकी जो वायर है वो ग्राउंड हो जाएगी, और जो दूसरी है हॉर्न स्विच के साथ अटैच होगी। उसके बाद जो 87 है वो हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, और जो 30 एम्पियर है वो हॉर्न दोनों हॉर्न के जो है पॉजिटिव में जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी जो 85 और 86 है उसके लिए मैंने दो एक्स्ट्रा थिम्बल को जो है वायर के साथ अटैच करके लिया है। तो इसकी एक वायर को मैं ग्राउंड के साथ यहाँ पर अटैच कर देता हूँ, और इसकी जो दूसरी वायर है वो जाएगी जो आपका हॉर्न वाला जो हमने एक्स्ट्रा बटन लगाया उसकी जो आउटपुट है यहाँ पर पॉजिटिव वाली उसमें चली जाएगी। तो ये 85 और 86 का हमारा यहाँ पर काम कम्प्लीट हो गया। तो गाइस, अभी मैं इसका बटन को ऑन करके इसको प्रेस करके देखता हूँ। तो आप देखते हैं रिले अभी जो एक्टिव हो रही है, इसमें टिक टिक की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक हमारा जो काम है बिल्कुल अच्छे से हुआ है। तो गाइस, इसके 87 पे अभी हम जो है एक एक्स्ट्रा जो है बड़ी वाली वायर को एक थिम्बल के साथ अटैच करके लगाएंगे, क्योंकि ये जाएगी हमारे पॉजिटिव में बैटरी के। तो यहाँ पर मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर थिम्बल को, और जो दूसरी साइड है वो हम बैटरी से जो है पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पर जो है अटैच कर देंगे। तो गाइस, बैटरी से हमने 87 को लगा दिया है। अभी जो इसका 30 एम्पियर वाला ये जो पॉइंट बच गया इस ये जाएगा हमारे हॉर्न के जो है पॉजिटिव में। तो गाइस, आप देखते हैं मैंने एक एक्स्ट्रा थिम्बल लिया है यहाँ पर लगाने को, तो यहाँ पर मैं एक ये थिम्बल को लगा लेता हूँ, और ये जो इसकी वायर है 30 एम्पियर वाली ये जाएगी हमारे हॉर्न में। तो हॉर्न की कोई भी वायर को आप पकड़ के उसमें इसको लगा सकते हो, और जो हॉर्न की दूसरी वाली वायर बच जाएगी वो जो हम जो है उसको बॉडी के साथ ग्राउंड कर देंगे। तो इसको जल्दी से मैं पहले टेप कर लेता हूँ, उसके बाद जो हॉर्न की एक वायर बच गई है उसको बॉडी के साथ ग्राउंड कर देता हूँ।
बिकॉज अभी जो हॉर्न की दूसरी वाली वायर है उसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ ये ग्राउंड वाली वायर के साथ लगा के, और इसको अच्छे से टेप कर दूंगा यहाँ जहाँ मैंने नहीं की टेप, आप खुद ही वहाँ पर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कहीं पे भी ज्वाइंट करते हो तो आपको टेप करना ज़रूरी होता है। वीडियो बनाने के चक्कर में कभी कभी भूल जाते हैं हम, लेकिन बाद में हम जो है अच्छे से इसको टेप कर देंगे। तो इसको मैंने टेप कर दिया है, अब इसको हम टेस्ट करके देखेंगे। तो कि यहाँ पर आपका स्ट्रोक वाला स्विच ऐसे ही हमने रहने दिया, तो स्ट्रोक वाले स्विच से आपका नॉर्मल हॉर्न बजेगा और यहाँ पर हमारा जो दूसरा हॉर्न बजेगा। तो चलिए गाइस अभी इसको रोड पे टेस्ट करके देखते हैं। तो गाइस मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मेरे को जो मिंडा और जो रूट्स के हॉर्न है उससे ये बेटर लगे थोड़े से हॉर्न ही, और इसकी क्वालिटी भी उनसे थोड़ी सी अच्छी है, तो आप देखते हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको कुछ भी इसका परचेस करना है तो लिंक मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जो जो मेरे को मिलेगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।